स्टूडेंट्स, दिस इज नवीन उपाध्याय. यू आर वॉचिंग योर फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स. नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू लेक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कनेक्ट अवर लेक्चर टू द लास्ट टॉपिक. और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि भौतिक राशियां, उनके प्रकार और उन भौतिक राशियों के मात्रकों के बारे में. वहां हमने सात मूल राशियां और उनके सात मूल मात्रक और उन सात मूल राशियों से उत्पन्न होने वाली व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रकों के बारे में बात की थी. उसी टॉपिक को हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो आज हम बात करेंगे यूनिट सिस्टम, मात्रक पद्धति की, और दूसरा डायमेंशंस यानी कि विमाओं की. तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक. कौन सा? यूनिट सिस्टम. सामान्यतः हम चार प्रकार की मात्रक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं. जितनी भी भौतिक राशियां हैं, मूल राशियां हों या व्युत्पन्न राशियां हों, उनके मापन के लिए जो मात्रक होते हैं, उन मात्रकों को हम चार अलग अलग पद्धतियों में काम में लेते हैं. और वो जो पद्धतियां हैं उनमें से तीन यूनिट सिस्टम ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम यांत्रिकी में करते हैं, यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स में, है ना. और एक है इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, जिसका यूज हम 7 के 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं अपनी, उन 7 फिजिकल क्वांटिटी के लिए करते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए करते हैं. तो वो मात्रक पद्धति जो है वो कौन कौन सी है? फर्स्ट जो मात्रक पद्धति अपन यूज करते हैं वो है MKS, सेकंड है CGS और थर्ड है FPS और फोर्थ जिसकी मैं बात कर रहा था SI यूनिट सिस्टम, SI सिस्टम, है ना. अब हम यहां पर थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देते हैं कि ये जो MKS, CGS, FPS और SI यूनिट सिस्टम क्या है. ये MKS, CGS और FPS मैकेनिक्स में प्रयुक्त होने वाली मात्रक पद्धति यानी कि यांत्रिकी, यांत्रिकी जो फिजिक्स है उसमें MKS जो यूनिट सिस्टम है, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, देखो लंबाई का मात्रक तो हम यूज कर रहे हैं क्या, मीटर, ठीक है, और द्रव्यमान का मात्रक हम यूज करते हैं किलोग्राम, ओके, और समय का मात्रक हम यूज करते हैं सेकंड. समय का मात्रक हम क्या यूज कर रहे हैं? सेकंड, ठीक है. तो ये बन गया MKS, मीटर, किलोग्राम और सेकंड. इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है उसी को हम बोलते हैं MKS, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकंड. अच्छा, CGS जो है उसमें C यानी कि लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, है ना, और किलोग्राम का मात्रक होता है ग्राम और समय का मात्रक होता है सेकेंड. तो ये बन गया CGS, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड. सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड. अच्छा, अब FPS, फुट, पाउंड और सेकेंड, फुट, पाउंड और सेकेंड, ठीक है. तो देखो MKS मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड और FPS फुट, पाउंड और सेकेंड. ये जो तीनों मात्रक पद्धति हैं, इनका प्रयोग हम किस चीज में, काय में करते हैं? मैकेनिक्स. ये तीनों यूनिट सिस्टम जो है इनका प्रयोग हम करते हैं किसके अंदर? मैकेनिक्स, यानी कि
मैकेनिक्स। मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी में। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं SI यूनिट सिस्टम। देखो, हमारे पास 7 मूल राशियां थी और उन 7 मूल राशियों के 7 ही मूल मात्रक थे, लेकिन यांत्रिकी में केवल 3 ही मूल राशियां काम में आती हैं और उन 3 राशियों 3 मूल राशियों के 3 ही मूल मात्रक। और वो जो सिस्टम्स थे वो कौन कौन से थे? MKS, FPS और CGS। लेकिन ये जो SI यूनिट सिस्टम है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम जिसमें 7 मूल राशियों के 7 ही मूल मात्रक हैं, यानी कि हम MKS यूनिट सिस्टम को विस्तृत कर देते हैं। वहां 3 राशियों के 3 मात्रक थे, उन्हीं को बढ़ा के 7 राशियों के 7 मूल मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। कौन से यूनिट सिस्टम में? SI इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम में। तो ये हो गया आपका मीटर, ठीक है, ये हो गया अपना किलोग्राम और ये सेकंड और टेम्परेचर, टेम्परेचर का हो गया केल्विन, केल्विन टेम्परेचर को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, प्रकाश की तीव्रता को कैंडेला में और पदार्थ की मात्रा को मेजर करते हैं मोल में, मोल, ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं। ये जो सिस्टम है SI सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, SI यानी कि इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, शॉर्ट में इसको अपन क्या बोलते हैं? SI यूनिट, SI यूनिट, ओके। हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, अंतर राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, ठीक है। तो ये अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। और अब अपन आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो मैं टॉपिक ले रहा हूं वो है अपना कौन सा? डायमेंशंस, विमाएं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके और नोट्स प्रिपेयर करेंगे। अब हम आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। अब हम बात करते हैं विमाओं की, डायमेंशंस की। अगर हम व्युत्पन्न राशियों की बात करते हैं जो कि मूल राशियों से ही उत्पन्न होती हैं, इन व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्यक्त किया जाता है मूल मात्रकों के रूप में। तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो पावर्स, जो घातें लगाई जाती हैं, उन घातों को ही उस
व्युत्पन्न राशि की विमा कहते हैं हम, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए। बात करते हैं किसकी, विमाओं की यानी डायमेंशंस की। तो व्युत्पन्न राशि जो कि मूल राशियों से उत्पन्न होती है, इन व्युत्पन्न राशि के जो मात्रक होते हैं या इन व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं, उन घातों को ही हम उस व्युत्पन्न राशि की विमा कहते हैं। इट मीन्स व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई गई घातें उनकी विमा कहलाती है, है ना। व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई गई घातें घात यानी कि पावर, उस व्युत्पन्न राशि की विमा कहलाती है। ओके, अब जैसे क्या हुआ, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्षेत्रफल, है ना। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल होता है माय डियर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमारा क्षेत्रफल जो है वो कैसी राशि है, क्षेत्रफल हमारा जो है वो है व्युत्पन्न राशि। अब इस क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा, अगर हम इसकी मात्रक की बात करेंगे तो क्षेत्रफल का जो मात्रक बनेगा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि मीटर गुणा मीटर, मीटर की घात कितनी आ गई, 2। इसका मतलब क्षेत्रफल जो है व्युत्पन्न राशि है और उसको व्यक्त करने के लिए हमने मीटर पर कितनी घात, 2 लगाई। मीटर कैसा मात्रक है, मूल मात्रक है। तो मूल मात्रक पर जो घात चढ़ाई गई जो घातें होती हैं, लगाई गई जो घातें होती हैं, वही क्या होती है, विमा। तो क्षेत्रफल की विमा हो गई मीटर की घात 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन बात करते हैं आयतन, तो आयतन जो है, आयतन हो जाएगा अपना लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये इसकी जो विमा आ गई मीटर की घात तीन, मीटर गुणा मीटर यानी कि मीटर की घात कितनी आ गई, इसकी विमा मीटर की घात आ गई 3। और इसकी विमा कितनी आ रही थी माय डियर, इसकी आ रही थी मीटर की घात 2, है ना। अब ये जो विमाएं हैं, है ना, जो हम मूल मात्रकों पर घातों के रूप में लिख रहे हैं, इन मूल मात्रकों को हम जो डायमेंशनल सिंबल विमीय प्रतीक के रूप में भी लिख सकते हैं। इन विमाओं को हम डायमेंशनल सिंबल यानी कि विमीय प्रतीकों के रूप में भी लिख सकते हैं। अब वो विमीय प्रतीक क्या है, तो वो डायमेंशनल
सिंबल जो है, डायमेंशनल सिंबल्स की अगर हम बात करते हैं तो लंबाई है ना, लंबाई जिसको हम क्या कहते हैं, लेंथ, लेंथ है ना, लेंथ। इसका जो मात्रक है लंबाई का वो क्या होता है माय डियर, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। ओके, और इसके लिए जो डायमेंशनल सिंबल हम यूज करते हैं वो है अपना एल। क्या यूज करते हैं, एल है ना। ऐसे ही द्रव्यमान, द्रव्यमान मास है ना, मास इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम है ना। ऐसे और अगर मैं बात करूंगा है ना, द्रव्यमान समय, समय जिसको हम क्या कहते हैं, टाइम, टाइम है ना इंग्लिश में। इसको मेजर करते हैं हम किस में, सेकंड में। किस चीज में मेजर करते हैं इसको, सेकंड, शॉर्ट में लिखा हुआ है ना। ऐसे ही अगर अपन ताप की बात करेंगे, ताप यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर ठीक है, इसको हम मेजर करते हैं किसमें, केल्विन में, केल्विन में ठीक। अच्छा, प्रकाश विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट ओके, इसको हम मेजर करते हैं किसमें, एम्पियर में ठीक, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ऐसे प्रकाश की तीव्रता, तो प्रकाश की तीव्रता जो होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में मेजर करते हैं है ना। और पदार्थ की जो मात्रा है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका यूनिट हम यूज करते हैं मोल, इसको मेजर करते हैं मोल में है ना। अब इनके जरा डायमेंशनल सिंबल देखो माय डियर, लेंथ जो है जिसको हम मीटर में मेजर करते हैं, इसका जो डायमेंशनल सिंबल है वो होता है एल। अच्छा, डायमेंशनल सिंबल और डायमेंशंस को हमेशा, डायमेंशंस यानी विमा, ध्यान रखना मैं इंग्लिश का टर्म यूज कर रहा हूं तो कंफ्यूज नहीं होना, डायमेंशनल सिंबल इसका होता है एल। मास, द्रव्यमान जिसको किलोग्राम में मेजर करते हैं, इसका जो डायमेंशनल सिंबल होता है माय डियर वो होता है एम ठीक है। अच्छा, समय जिसको सेकंड में मेजर करते हैं, इसका जो डायमेंशनल सिंबल होता है वो होता है टी। और अगर अपन आगे चलेंगे तो टेम्परेचर केल्विन, इसका डायमेंशनल सिंबल होता है के ठीक है। अच्छा, विद्युत धारा एम्पियर, इसका डायमेंशनल सिंबल अपन लेते हैं ए, कैपिटल ए। प्रकाश की तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका डायमेंशनल सिंबल अपन लेते हैं सी डी। और पदार्थ की मात्रा मोल जिसका डायमेंशनल सिंबल हम लेते हैं एम ओ, क्या लेते हैं एम ओ बी। हो सकता है बहुत सी बुक्स में यहां बी लग रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, एमओ लगा लो या एमओ बी लगा लो। तो ये इसके डायमेंशनल सिंबल है। अब हम अगर इनको डायमेंशनल सिंबल की फॉर्म में लिख दें तो बताओ जरा, क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर, और मीटर लंबाई का मात्रक है यानी लेंथ, इसका डायमेंशनल सिंबल हो गया एल। तो इसको हम लिख देंगे, इसकी जो डायमेंशन आ जाएगी वो आ जाएगी एल स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट में ये, इसकी डायमेंशनल, इसकी डायमेंशन क्या आएगी, मीटर क्यूब, मीटर की घात तीन यानी एल की घात तीन। तो ये मैं डायमेंशनल सिंबल में इनको लगा देता हूं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, अब मैं देखो तुम्हें फॉर्मूले बता रहा हूं, उनकी यूनिट्स बता रहा हूं, और साथ में उनका डायमेंशन फॉर्मूला भी बता देता हूं। जैसे घनत्व,
तो घनत्व होता है अपना द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन इसका मात्रक आएगा। द्रव्यमान को मापते हैं अपन काय में, किलोग्राम में, और आयतन को मापते हैं मीटर क्यूब में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, एम, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका बन गया माय डियर एम, मास का आ गया है ना, एम पर पावर कितनी है, एक है, तो एम पर वन पावर है, लिखने की जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो लिख सकते हो एम वन। अच्छा एल क्यूब, लेकिन ऊपर ले जाएंगे एल की पावर थ्री आएगा, एल की पावर थ्री को अगर ऊपर ले जाओगे तो वो पावर काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, सही है कि नहीं सही है। अच्छा घनत्व के बाद अगर अपन बात करते हैं चाल, तो चाल बराबर होता है, चाल चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो इसका जो मात्रक बन गया वो बन गया मीटर, मीटर पर सेकेंड, क्या बन गया इसका मात्रक, मीटर पर सेकेंड। अच्छा मीटर लंबाई का मात्रक है, तो इसके लिए हम एल यूज करेंगे, एल वन पावर हो गई, और टी टाइम के लिए टी यूज करेंगे ना सेकेंड के लिए, अब टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो टी की पावर माइनस वन है ना, ये सिंबल हो गया। देखो किसी भी डायमेंशनल सिंबल को अपॉन में नहीं छोड़ना है, नीचे अपॉन में दिया हुआ है उसको ऊपर कर दो, तो प्लस की पावर है तो माइनस की हो जाया करेगी, और माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाया करेगी। अच्छा ऐसे ही हम अगर बात करते हैं वेग की, तो वेग होता है अपना माय डियर विस्थापन, विस्थापन बटे समय। तो इसका मात्रक क्या बनेगा, इसका मात्रक बन गया मीटर पर सेकेंड, मीटर, मीटर पर सेकेंड है ना। तो मीटर, मीटर का फिर वही लेंथ के लिए क्या आ जाएगा, एल और टी माइनस वन, तो एल टी माइनस वन सेम डायमेंशन हो गई चाल की और इसकी। अच्छा ऐसे ही अगर अपन त्वरण की बात करते हैं, तो त्वरण होता है क्या, वेग, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समयांतर, समयांतर है ना, तो वेग परिवर्तन बटे समयांतर, तो वेग परिवर्तन इसका मात्रक बन गया क्या, मीटर पर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो वेग का मात्रक ऊपर लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड, और नीचे समय का मात्रक और आ गया सेकंड, तो इसका मात्रक तो बन गया क्या, यहां लिखती रहूं मैं, यहां साफ अगर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मात्रक बन गया है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसकी डायमेंशंस क्या बनी है, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। आगे और एक बार देखो, याद कर लो क्षेत्रफल एल स्क्वायर, आयतन एल क्यू, घनत्व एम एल माइनस थ्री, चाल एल टी माइनस वन, वेग एल टी माइनस वन, त्वरण एल टी माइनस टू। अब कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूलों को देखते हैं, तो कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूलों में हम ले लेते हैं संवेग। संवेग जो है वो होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा वेग, तो द्रव्यमान गुणा वेग संवेग, और इसका मात्रक बन गया, देखो द्रव्यमान को हम मेजर करते हैं किसमें, किलोग्राम में, किलोग्राम इनटू वेग, वेग होता है मीटर पर सेकेंड है ना, तो इस शॉर्ट में लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास काफी जगह भी है, तो किलोग्राम मास का एम आ गया, मीटर के लिए एल आ गया, और टी ऊपर जाके माइनस हो गया, तो ये हो गया एम एल टी माइनस वन, ठीक है, संवेग। एम और एल पे वन वन पावर है, प्लस पावर है, इसलिए मैंने लिखी नहीं है। अच्छा संवेग के बाद अगर अपन बात करते हैं बल की,
बल होता है अपना द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। द्रव्यमान को हम मेजर करते हैं माय डियर किसमें, किलोग्राम में, और त्वरण का अभी मैंने बताया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो विमा बन जाएगी वो बन जाएगी एम एल टी माइनस टू। टी माइनस टू क्यों बन गई, क्योंकि सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, इसकी एक और यूनिट होती है, बल की एक और यूनिट होती है और वो होती है न्यूटन। न्यूटन जो एसआई यूनिट है, एस आई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट किसकी, फोर्स की, फोर्स यानी कि बल की, वो होती है क्या, न्यूटन, ठीक है। और जो न्यूटन है वो बराबर होता है कि किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो डायमेंशन है वो सेम ही होता है क्या, एम एल टी माइनस टू। तो हम देखो न्यूटन के लिए वही डायमेंशन यूज करेंगे, देखो बल की मात्रा क्या है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एम के एस में है, और न्यूटन किस सिस्टम का है, एसआई सिस्टम में, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं बात करता हूं बल के बाद आवेग की, तो जो आवेग है माय डियर, आवेग, आवेग जो होता है बल गुणा समय, बल गुणा समय। तो जो बल का मात्रक है न्यूटन इंटू समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो अब जरा देखो न्यूटन, न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस टू, क्या आ जाएगा, ये यहां लिख दूं क्या, एम एल टी माइनस टू है ना, और सेकंड का एक और टी आ गया यहां। अब तुम्हें मालूम है कि आधार समान तो घातें जुड़ती हैं, तो माइनस टू और टी पे एक घात, तो क्या होगा बताओ जरा, टी पे एक घात रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी, यहां टी पे एक घात है ना पावर। तो ये हो गया क्या, ये हो गया एम एल टी माइनस वन। तो मुझे लग रहा आप देखोगे कि संवेग, संवेग की जो डायमेंशंस है और आवेग की जो डायमेंशंस है वो सेम आ रही है। अच्छा अब अपन आगे चलते हैं कार्य, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल गुणा विस्थापन, और बल को हम मापते हैं किसमें, न्यूटन में, और न्यूटन इंटू मीटर है ना। तो जो न्यूटन है, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन होता है एम एल टी माइनस टू, और यहां पे एक एल और आ गया है ना, एक एल और आ गया, तो ये बन गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम पर वन है ना। इसका जो वर्क है ना, वर्क, इसका जो एस आई यूनिट है, एस आई यूनिट जो होती है वर्क की, वो होती है जूल, जूल। तो जूल को ही हम ये लिख देते हैं ना, न्यूटन इंटू मीटर, ध्यान रखना, एस आई यूनिट, एस आई यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क की एस आई यूनिट क्या होती है, जूल। तो जूल जो है उसको ऐसे ही, ऐसा ही यूनिट फोर्स की होती है न्यूटन। अच्छा अब हम आगे चलते हैं, कार्य के बाद अपन लेते हैं क्या, शक्ति, शक्ति जो है पावर। कार्य किया गया, कार्य और उसमें लगा समय है ना, कार्य बटे समय। तो इसका जो मात्रक बनेगा, देखो कार्य का मात्रक अभी बताया बेटा क्या होता है, जूल है ना, जूल पर सेकंड। तो जूल जो है उसकी विमा क्या आई है, जूल की, जूल की जो विमा आई है वो आई है क्या, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और इसको मैं डिवाइड कर दूं किससे, बताना जरा, इसको जो मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, टी से, तो ये टी की घात कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एम
एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, सही है। इसको जो एस आई यूनिट होती है, एस आई यूनिट ऑफ पावर, तो जो पावर का एस आई यूनिट होता है वो होता है वाट, वाट। तो वाट की जो विमा अगर तुमसे पूछ लेता है तो यही आ जाएगा क्या, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ये वाट की, ठीक है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। तो अब हम कुछ और यूनिट्स, कुछ और राशियां देखते हैं। अभी हमारे पास, मैंने उधर शायद तो मैं त्वरण तक करा दिया था, त्वरण के बाद एक राशि ये हो गई तुम्हारी, एक बल हो गई, एक आवेग हो गई, एक कार्य हो गया, एक शक्ति हो गई, ठीक है। तो यहां हमने अब मैकेनिक्स में प्रयोग होने वाली जो व्युत्पन्न राशियां हैं, उन व्युत्पन्न राशियों के हमने विमाएं देखी। और भी काफी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हम मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी में प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां हम सारी क्वांटिटीज की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने कुछ कुछ मेन क्वांटिटीज अभी स्टार्टिंग के चैप्टर से ली हुई है। अच्छा, मैं अब तुम्हें बता रहा था कि कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो विमाहीन होती हैं, यानी कि डायमेंशंस लेस क्वांटिटी, वो कौन कौन सी होती है, तो उसकी भी मैं थोड़ी सी यहां बात कर ले रहा हूं। डायमेंशन लेस जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी यानी कि विमाहीन, कैसी राशियां, विमाहीन राशियां। तो विमाहीन राशियों में अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो विमाहीन राशियों में कौन कौन सी आती हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूं कोण की, है ना, कोण क्या होता है बेटा, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या है, और चाप को हम काय में मापते हैं, मीटर में, और त्रिज्या को भी काय में मापते हैं, मीटर में। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बन, इसकी जो विमा बनी वो एक बनी, है ना, इसका जो विमा, पहले इसका व्युत्पन्न मात्रक देखो, ये जो राशि है इसका कोई भी व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त नहीं हो रहा है। व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रक से बनता है, अब इसको देखो, मूल मात्रक जब अपन ने लिए मीटर अपॉन मीटर तो कैंसिल आउट हो गया, बनाया तो यहां पे इसका व्युत्पन्न मात्रक तो आया ही नहीं, और अगर इसका व्युत्पन्न मात्रक नहीं आया जो कि मूल मात्रकों से बनता है, तो इसकी जो विमा है मूल मात्रकों पर ही तो चढ़ाई गई घातें विमा होती है। जब इसका मूल मात्रक ही नहीं आ रहा है, व्युत्पन्न मात्रक ही नहीं आ रहा है, तो इसकी विमा जीरो हो गई, ना तो इसमें एम आ रहा है। ऐसी कंडीशंस में मैं इसको लिख रहा हूं एम जीरो, एल जीरो और टी जीरो, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं घन कोण, तो घन कोण जो होता है सॉलिड एंगल, उसका मैंने बताया था चाप नहीं होता, क्षेत्रफल। अभी देखो, वैसे तो इसको डिफाइन करेंगे अपन आगे जाके क्षेत्रफल, अभी मैं शॉर्ट वैसे लिख दे रहा हूं थोड़ा विमा निकालने के लिए, क्षेत्रफल और नीचे होता है त्रिज्या का वर्ग। तो क्षेत्रफल को हम मापते हैं मीटर स्क्वायर में, और त्रिज्या का वर्ग तो मीटर स्क्वायर, तो इसका भी डायमेंशंस क्या आ गया, एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो। तो ये भी कैसी क्वांटिटी है, ये भी माय डियर डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अच्छा, अगर अपन बात करते हैं घर्षण गुणांक, है ना, घर्षण गुणांक भी कैसा होता है, डायमेंशन लेस, है ना, इसकी भी कोई विमा नहीं होती है, है ना, विमा नहीं होती है और इसका कोई मात्रक भी नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं और एक आध आपको बताता हूं, तो तुम्हारा हो गया घर्षण गुणांक की अगर बात करते हैं, घर्षण गुणांक के बाद फिर मैं अगर देखता हूं, तो एक और जो होता है विकृति, विकृति विकृति भी M0, L0, T0 यानी विमाहीन राशि है। अच्छा, और माध्यम का परावैद्युतांक,
माध्यम का जो परावैद्युतांक है जिसको हम आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, तो ये विमाहीन राशि होती है। और विमाहीन राशि यानी कि एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो। अच्छा, ऐसे ही अगर अपन बात करते हैं चुंबकशीलता की, तो चुंबक माध्यम की चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक, आपेक्षिक चुंबक शीलता, तो ये भी विमाहीन राशि होती है, एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो। और एक और मैं जो बता रहा था वो है माध्यम का, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है, माध्यम का परावैद्युतांक तो ऊपर आ चुका है, माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक है ना, माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, ये भी कैसी राशि होती है, विमाहीन। देखो विमाहीन जितनी भी राशियां हैं वो सब एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो। अब हम बात करते हैं कुछ कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं, नियतांक जो होते हैं, उनकी विमा कैसे निकालते हैं। तो नियतांकों की विमा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लेंदी होता जा रहा है और हम बात कर रहे थे 25 और 30 मिनट्स के वीडियो की। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियोस का जो जानकारी है वो आपको समय से समय मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।